तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर टुडे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिट बाई स्लोड तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो स्लोडाउन चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा आज के डीएनए में सेंटर सजेशंस टू टू रिव्यू रिवाइव द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट विल नॉट बी पॉसिबल टू लिफ्ट द लॉकडाउन इन वन गो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही झटके में पूरी कंट्री में लॉकडाउन हटाया जाए आफ्टर हैविंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स यस्टरडे दे बिफोर येस्टरडे तो ये निष्कर्ष उसका निकल के आ रहा है फोकस शिफ्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो फोकस है जो इसमें वो शिफ्ट हो रहा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तरफ सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इज इंक्रीजिंग ग्लोबली यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर्स uh, में सॉफ्ट पावर के अराउंड एस पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे यहां पर सिटीजन मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली विद मेडिकल टीम्स से सुप्रीम कोर्ट तो कमिंग ईयर वाइल्ड लाइफ बोर्ड होल्ड्स वर्चुअल मीटिंग पोचिंग नॉट वायरस इज द बिगर इज द बिग्गर थ्रेट सेक्सपर्ट वेस्ट बेंगाल बिगिनस लाइव लेक्चर्स ऑन टेलीविजन तो ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई न्यू कोर्सेज ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी विच आर गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रिल फ्रॉम अप्रिल सेवेंटीन ऑनवर्ड्स दीज कोर्सेज विल कवर फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक कोर्स लाया जाएगा फॉर करंट अफेयर्स इन द मंथ ऑफ मे फर्स्ट फिफ्टीन डेज ऑफ मे विल हैव दिस कोर्स तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आन अकेडमी प्लस टू गेट एक्सेस टू ऑल माई कोर्सेज इस्पेली द करंट अफेयर्स एज यू ऑल नो आप सभी को पता है दैट आई हैडस वर्क इन दिस एरिना तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सब कोर्सेज को ज्वाइन करना करंट अफेयर्स खासकर इकोनॉमी पॉलिटी आर्ट एंड कल्चर इट कवर्स everything थिंग current अफेयर्स कोर्स ऑफ जतिन वर्मा यू कैन सर्च ऑन अन अकेडमी और जी एस मेन्स पेपर थ्री का ये कोर्स आएगा जून में जिन लोगों को कैलेंडर चाहिए आई वॉज गेटिंग सम मैसेजेस येस कि की uh, कैलेंडर क्या क्या है कोर्सेज कौन कौन से आएंगे तो जून 2020 में आपका ये कोर्स आएगा और मेन्स ट्वेंटी के जो कोर्सेज हैं वो अप्रैल और मे अप्रैल सेवनटीन से इकोनमी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और का कोर्स स्टार्टिंग इन दिस कोर्स ऑफ पॉलिटी वी आर गोइंग टू कवर नॉट जस्ट एम लक्ष्मीकांत बट ऑल्सो दी करंट अफेयर्स सेकेंड ए आर सी एंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी थिंग इन विल बी कवर्ड इन दिस राइट नाउ कमिंग हाउ यू हैव टू अप्लाई द कोड जत इन वाई टी सेवेंटी वन इज द कोड दैट यू हैव टू अपलाई जत वाई टी सेवेंटी वन तो इससे क्या है कि यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फी

पॉलिटी एंड इकोनमी दे कॉन्स्टिट्यूट सेवेंटी परसेंट ऑफ योर सिलेबस तो आप लोग जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूज पेपर को अच्छे से समझने के लिए दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू नाउ कमिंग इिस पार्ट आर्टिकल आर्टिकल एट मैगजीन जो है जतन वर्मा मेरी टीम द्वारा जो लाई जाती है राइट ड्यू क्रेडिट टू दी एफर्ट गिवन बाई दीज गाइड्स जतिन वर्मा डॉट ओ आर जी से आप इसे मार्च की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं मार्च 2020 की मैगजीन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एंड यू कैन रेस्ट अशोर अबाउट द एनालिटिकल क्वालिटी दी सेलियंट पॉइंट्स नाउ मेनी अ टाइम्स द क्वेश्चंस आर कमिंग दैट शुड बी रेफर टू आर्टिकलेट एंड डी एन एड बी वुड इट बी इनफ फॉर यू इन सो फार एज करंट अफेयर्स ये इन सो फार एज करंट अफेयर्स आर कंसर्न येस लेकिन उसके बाद आपको जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है एनालिटिकल चीजें जो देखनी होंगी वो फंडामेंटल ऑरिएड जो कोर्सेज हैं उसमें आप देख सकते हैं नाउ नीडेड अ ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थ्रेड बेयर एनालिसिस स्टाइल में आज हम करेंगे इसका देन अ in की आर्सेनल इन रूरल इंडिया पैंडमिक वाइल मेकिंग दिस आई टेकन अ फ्यू स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस बुक्स जो कि स्टैटिक बुक्स हैं इसमें जो एफर्ट लगता है मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर टू बी रेड अलॉन्ग विद वट डीज इंटेलिजेंट पीपल आर राइटिंग इन दीज आर्टिकल्स राइट तो ये बुक है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया दिस बुक यू कैन रेफर टू फॉर जी एस मेन्स पेपर वन तो आज जो मैं इस आर्टिकल में इस एडिटोरियल में पढ़ाने जा रहा हूँ आई वॉज रीडिंग दिस बुक एट अराउंड सिक्स सेवन ए एम कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो जयप्रकाश नारायण मॉडल है और जो गांधीन मॉडल है हमारे यहाँ पे रूरल इकोनमी का uh, रूरल uh, पॉलिटी का उसको हम समझेंगे और कैसे मिस्टर केजरीवाल इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक्स के थ्रू ये भी हम इस वे में, में समझने जा रहे हैं तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इसी के साथ की एक दूसरी भी बुक है जिसे हम आ, सेज पब्लिकेशंस की ये बुक है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से है विद्युत चक्रवर्ती की बुक है इन दोनों बुक से आपका ये पॉलिटी का जो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा कुछ कुछ चीजें आपको इसमें पढ़नी है राइट Yes, yojana summary is also included in the article. 8 So, we guys are doing pretty much of effort for you guys in so far as current affairs are concerned. yojana summary etc is में included rehta hai Now, is article ko analyze karenge for better use MP Local Area Development Scheme. और आज के DNA में marble के एक model पे discuss किया जाएगा. सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि in the coming days you would be getting uh, the uh,

एम पी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या है उसी के कॉन्टेक्स में वाई टेकिंग ओवर एम पी लैड फंड टू फाइट दी वायरस सेंटर मस्ट एलोकेट जुडिशियसली एम पी लैड्स को दो ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस राइट कि इसमें स्पेंडिंग नहीं हो रही है पिछले कुछ सालों में इसी के लिए इसके जो सेवेंटी नाइन हंड्रेड करोड़ रुपीज एलोकेटेड थे वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी और सोर्स पे या कोरोना वायरस पे स्पेंड करना चाह रही है राइट कोविड-19 को टैकल करने के लिए लास्ट मंथ द राइटर सेज लास्ट मंथ द सेंटर हैड अलाउड यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी लैड्स फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ एट लीस्ट ₹5 लाख बाय ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा था कि 5 लाख रुपए के पार्लियामेंट जो है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है हमारे सांसद जो रहते हैं Uh, they can purchase uh, the दे uh, purchase medical equipment for government hospitals in their constituencies <laughs> जैसे कि मास्क हैं या कुछ और हॉस्पिटल्स के लिए परचेज कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल फाइव करोड़ रुपीस दिए जाते हैं लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि इसको एबॉलिश कर दिया गया अभी या मोरिटोरियम तो इस पर लगा दिया गया है दो साल का मेनी मेंबर्स मेड इमीडिएट यूज ऑफ दन टाइम डिस्पेंसेशन टू रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ एन मास्क पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर दी मेडिकल स्टाफ यानी कि उनका जो इक्विपमेंट रहता है डॉक्टर्स वो सब परचेज कर सकें अब जबकि एंटायर स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया फॉर टू ईयर्स गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द रिकमेंडेशन ऑलरेडी ऑलरेडी मेड आर एक्टेड अपॉन अब यहाँ पे ये कहना है राइटर का कि पिछले हफ्ते आपने दो अनाउंसमेंट कर दी एक तो ये की मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट इस फंड में से पांच लाख रुपए स्पेंड कर सकते हैं फिर उसके बाद आपने ये कहा कि स्कीम इज सस्पेंड हो गई मतलब क्या कहना चाह रहे हो अब इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है अब जो खर्च करने वाले थे जिन्होंने चेक इशू कर दिया था वो सस्पेंड कर वो क्या इसमें स्पेंड कर सकते हैं या नहीं इसीलिए राइटर का ये कहना है कि वाइल दी सम्स टू दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वुड हेल्प जुडिशियस डिप्लॉयमेंट एनीर इन दी कंट्री बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ दी वेरिंग नीड्स इन डिफरेंट रीजन इट वुड रिडाउंड इट वुड कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू दी दवर्नमेंट क्रेडिट इफ दी जेनुअन एफर्ट्स मेड बायर्स अगर मेंबर्स ऑफ में इस पे एफर्ट्स बनाए एफर्ट लगाए तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इसका फंड्स का एलोकेशन किया जाए तो अच्छे से यूज किया जा सकता है 5 करोड़ रुपए को और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पे ये देखेंगे क्रिटिसिज्म क्या है एमपी लैड्स का नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ हमने डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन होना चाहिए राइट right. लेजिस्लेचर अलग एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग तो अब ऐसे केस में इट गोज अगेंस्ट दी सेपरेशन ऑफ पावर्स इट अलाउज इंडिविजुअल टू एनक्रोच ऑन दी प्लानिंग यानी कि काम किसका है लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ लॉ बनाना मनी स्पेंड करना गवर्नमेंट का काम है लेकिन अगर एम पीज ये करने लग जाएंगे लॉस पैसा स्पेंड करने लग जाएंगे तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इंटरफेरेंस टाइप हो जाएगा ये तो सिचुएशन विच इज वट इज नॉट गुड

लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाँच करोड़ रुपए इज लाइक like मूंगफली के दाने पाँच फाइव करोड़ रुपीज आर लाइक पीनट्स फॉर दी एम पीज कंसिडरिंग द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इंडिया में डिस्ट्रिक्ट का साइज इतना बड़ा है हमने पिछले दिन देखा था देन वे फॉरवर्ड नीड फॉर एन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि स्क्रीन जो स्कीम है वो सही है 2006 में साथ में इस पे जो है Uh, काफी ज्यादा कमेंट्री चली तो स्कीम तो सही है स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत नहीं है भले ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है या जो भी है एम को पांच करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ पैटर्निज दैट दे कैन डिस्पेंस एट विल यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ने के लिए और ये सब चीजों के लिए इसे यूज करें यूज किया जाए तो कुछ इस वे से यूज किया जाए क्योंकि कई बार क्या होता है अगर मान लो मैं बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेरी सरकार जो है स्टेट में है पंजाब गवर्नमेंट कांग्रेस की तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को मैं ये कहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक का लगाना है नल लगाना है राइट कांग्रेस गवर्नमेंट ये कहेगी कि आ, हम आपको हम आपको नहीं जानते राइट इसलिए मेरे पास एटलीस्ट पाँच करोड़ रुपए तो होने चाहिए ये छोटे छोटे काम करवाने के लिए क्योंकि जब मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी के वो लोग जब मेरे पास आएंगे वो बोलेंगे हमने तुम्हें वोट किया है दे विल से कि हमने आपको वोट किया है तो आप हमारे ये छोटे काम नहीं करवा सकते तो आपको अगली बार वोट नहीं करेंगे ऐसी सिचुएशन में ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ज्यादा मायने नहीं लगता जनता के काम होने चाहिए कल को कोई आएगा तो वो बोलेगा कि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही तो क्या फायदा आपका आप यदि स्ट्रीट पे उजाला नहीं ला सकते जीवन में उजाला क्या खाक लेके आओगे ऐसे केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली काम तो करवाना है सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसीलिए पांच करोड़ रुपए दिए गए एम को कि एम ये छोटे मोटे काम करवा सके राइट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही है और लेकिन करप्शन की जो रिपोर्ट्स बार बार आती रहती हैं उसी के बाद ये देखा गया कि सी ने भी ये कहा और सेकेंड ए आर ने यह कहा कि दोनों बुक्स का नाम मैं फिर से बता दूंगा डोंट वरी सी ए जी ऑफ प्लै मिसमैनेजमेंट एंड इन्फ्लेशन ऑफ अमाउंट स्पेंड तो सेकेंडी ने यह कहा कि स्कीम को एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए हाईलाइटिंग दी प्रॉब्लम लेजिसलेटर स्टेपिंग इन टू दूस ऑफ द एग्जीक्यूटिव करंट सस्पेंशन अभी के लिए ये स्कोप देती है कि स्कीम पे पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद कुछ स्टेप लिया जाए अब आते हैं महबूबा मुफ्ती इज़ कॉन्टीन्यू डिटेंशन इन जे एंड के इज़ हार्ड टू डिफेंड मॉरली एंड पोलिटिकली महबूबा मुफ्ती जो है उनको डिटेंशन में रखा गया है हंड्रेड्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग वेटरन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर नई अख्तर एंड आई एस ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन शाह फैजल कॉन्टीन्यू टू लैंगवेज इन जेल तो इसी के चलते इनको ये द मैनर इन विच देंटर हॉलोड आउट जिस तरीके से आर्टिकल 370 को खाली किया गया है खोखला किया गया है राइटर यह कह रहे हैं एंड एंडलट द स्टेट को डिस्मेंटल किया गया जम्मू एंड कश्मीर की वो एक इनग्लोरियस एग्जाम्पल सेट करता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फेडरलिज्म लॉकडाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज मोस्टली लिफ्टेड बिफोर इट वॉज री इम्पोज टू कॉम्बैट कोविड नाइनटीन मीन वाइल दिट्यूशनैलिटी ऑफ रेवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस यानी कि राइटर ये हिंट कर रहे हैं कि राजा सिंह को जो जोटीज की सरकार ने जो एश्योरेंसेज दिए थे जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को जो एश्योरेंसेज दिए गए थे वो एक झटके में विड्रॉ नहीं किए जाने चाहिए थे राइट right? अब अगर आपने इन वन गो ये सब विड्रॉ किए हैं तो जनता को लोगों को एश्योरेंसेज देने होंगे एश्योरेंस अगर नहीं दोगे तो फिर विदड्रॉ uh, कर लोगे कि रिजर्वेशन uh, नहीं दिया जाएगा या कुछ नहीं दिया जाएगा या डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ किया गया तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है अब राइटर ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को या फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला इनको इतने टाइम तक जो है हाउस अरेस्ट में रखा गया जेल में रखा गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया अभी तो खैर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया गया है बट मुफ्ती का महबूबा मुफ्ती का अभी तक जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेटेड ऑन एज एज इट शिफ्टेड हर हर फ्रॉम अ अ गेस्ट हाउस जेल जेल टू ऑफिशियल रेजिडेंस दैट हैज बीन सब्सिडियरी हाउसिड के चलते उन्हें शिफ्ट किया गया है तो ये राइटर्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल्स और लिबर्टी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है उन्हें इतने लंबे टाइम तक अरेस्ट करके रखना क्लियर नाउ 2008 का प्रशासन का रिफॉर्म करने के लिए इसे बनाया गया था राइट एआरसी इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं नाउ द मैनर इन विच देंटर हॉलोड आउट आर्टिकल थ्री सेवेंटी एंड डिसमेंटल इन ग्लोरियस प्रेसिडेंट ये बात ठीक है देखो प्रोसीजर में कुछ फ्लॉ हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल में मोदी गवर्नमेंट का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था क्योंकि आर्टिकल 370 के चलते काफी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी राइट स्टेट विद इन अ कंट्री हैविंग स्टेट कंट्री हैविंग सिंगल सिटीजनशिप हाउ सिंगल यू नो कॉन्स्टिट्यूशन हाउ कैन जस्ट वन स्टेट बी अलाउड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो ये करना बहुत जरूरी था ये डिसीजन सही था लेकिन उसको वे इंप्लीमेंट करने के वे में जो दिक्कतें आ रही हैं या जो इमप्रोपरिटी ऑब्जर्व करी जा रही है उस पर टिप्पणी की जा रही है कि ये गलत है राइट नाउ कमिंग एडिटोरियल एनालिसिस पे आते हैं नाउ नीडेड ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इवन एज स्टेट्स है पोजिशन ऑफ लीडरशिप इन दैनडेमिक रिस्पॉन्स Federal limitations are becoming hurdles हर्डल्स इन दिस today we are वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड model देखो किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए चाय के टाइम पे लेयर केक मॉडल और मार्बल केक मॉडल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम ये समझेंगे आइसक्रीम वगैरह ये सब शाम को या रात को और वो भी लॉकडाउन के बाद अभी के लिए इसमें सिर्फ प्वालिटी दिखनी चाहिए इसमें क्या दिखना चाहिए संघवाद कोई और विवाद नहीं नाउ कमिंग हेयर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस पर अपनी पोजिशन लिया लीडरशिप के लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशन है उनको वो रास्ते में आ रही है यहां पर राइट आपका यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा पुल के त्यागी इन इन एन अदर टेन फिफ्टीन मिनट अलाउमी जस्ट समाइम कॉन्टेक्स्ट है फेडरलिज्म का जीएस मेंस पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस फेडरलिज्म के टॉपिक के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा लीडरशिप जो स्टेट्स की है वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रही है इवन बिफोर यूनियन गवर्नमेंट इनवोव डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट स्टेट्स एपिडेमिक डिजीज एक्ट एटीन स्टेट्स वर एट दी स्टेट्स हैव बीन सीन एट द फोर फ्रंट बिल्कुल फ्रंट से काम कर रही है लीड कर रही हैं स्टेट स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को आप देखेंगे डिसीजन लिए जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दीज एक्शन हैव नॉट ऑलवेज बीन परफेक्ट सम ऑफ दी स्टेट्स हैव इवन डिस प्रोपोर्शनेटली ट्रेंसड अपॉन दी बेसिक सिविल लिबर्टीज़ ये सारे एग्जाम्पल स्टेट्स के सही नहीं है फॉर एग्जाम्पल केरला और कर्नाटका की बात कर लेते हैं केरला ने कर्नाटका ने यह कहा कि केरला से जो आने वाले लोग हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा क्यों क्योंकि केरला का जो डायस्पोड़ा है केरला के जो इंडियन डायस्पोड़ा यू ए से काफ़ी तालुकात रखता है तो उनका कर्नाटका का ये खतरा है कि केरला में ज़्यादा कोस केसेज हैं तो कर्नाटका में ज़्यादा केसेज नहीं हो जाए तो ये सारे एक्शंस अच्छे भी रहे हैं लेकिन कई कई जगह पे ये गलत भी हो रहे हैं स्टेट सच एज महाराष्ट्र केरला तमिलनाडु राजस्थान एंड कर्नाटका हैव शेप्ड देयर पॉलिसीज टू एड्रेस देयर डायरेक्ट लोकल कंसर्न्स उन्होंने अपनी पॉलिसीज को लोकल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये किया है दे हैव कम्युनिकेटेड दीज डिसीजन टू द पब्लिक विथ क्लैरिटी एंड कंसिडरेशन पिछले दिनों हम राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के अच्छे स्टेप्स की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में भी केसेस ज्यादा होने की वजह से जो गवर्नमेंट है काफी अच्छे डिसीजन ले रही है लेकिन कहीं कहीं पे फेडरल लिमिटेशंस रास्ते में आ रही हैं फेडरल लिमिटेशन आर क्रिएटिंग यू नो लिमिटेशंस। नाउ इन डूइंग सो दे हैव एक्टेड नॉट मेरली एज लेबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी लेबोरेटरीज ऑफ डेमोक्रेसी मतलब सेंटर जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट पे इकोसिस्टम पे हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं स्टेट्स में उनको अप्लाई करना चाहिए पूरे लैब स्टेट को एक लैब के वजह से डेमोक्रेसी के लिए यूज किया जा रहा है कि क्या होगा अगर लॉकडाउन लगाया जाए क्या होगा अगर एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगाया जाए क्या होगा अगर हॉटस्पॉट लगाया जाए अगर वो प्रैक्टिस सही का साबित होती है तो लाइब्रे लैब लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जाता है यानी कि पूरे इंडिया वाइड अप्लाई किया जा रहा है लेकिन सम ऑफ दी स्टेट्स आर फीलिंग स्टिफल्ड बाई

अब ये जो आर्टिकल है ये टर्न लेगा आपके बेसिक्स की तरफ बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी हम इसमें डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल सिर्फ अब से इस पॉइंट ऑनवर्ड्स कोरोना वायरस तक लिमिटेड नहीं रहेगा तो स्टार्ट करते हैं नाउ द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू एक्सेस फंड्स एंड देयर बाय स्ट्रक्चर देयर ओन वेलफेयर पैकेजेस द कर्ब्स इंपोज्ड बाय यानी कि स्टेट्स के पास में फंड्स नहीं है राइट right? दी कर्ब इम्पोज बाई पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज मायन ऑफिशियल डम दी कर्मिटेशन इम्पोज है कभी आर बी आई ये बोल रहा है कि चलो दो चार करोड़ और ले लो अरे भाई ये क्या मतलब है मतलब पहले दिनों ये कहा कि वेज एंड मीनस एडवांसिस के चलते हम आपकी लिमिट बढ़ा रहे हैं कि दो परसेंट और ले लेना जी डी पी का राइट right? फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद और आए तो बोले कि कल की अनाउंसमेंट थी आरबीआई की क्या कहा आरबीआई ने कि ओवर ड्राफ्ट और ले लेना मतलब कि स्टेट्स आर लिटरली सीन एज बेगिंग बिफोर द सेंटर और आर्टिकल 293 क्लॉज थ्री ये क्या कहता है कि अगर स्टेट्स ने पहले सेंटर की गारंटी पे इफ द स्टेट्स बोरोड अ लोन ऑन द गारंटी ऑफ द सेंटर तो अगली बार जब स्टेट कोई दूसरी दफा कोई लोन लेने जाएगी सेंटर से नहीं या वर्ल्ड बैंक से सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी राइटर इनडायरेक्टली इन चीजों की बात कर रहे हैं ये मैंने यहां पे लिखा है ये चीज़ें मैंने इसमें इंसर्ट करी हैं ताकि आप लोग समझ जाएं कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इज दिस क्लियर आरबीआई लिमिट्स इंपोज कर रहा है धीरे धीरे से प्यार को बढ़ा रहा है फेडरलिज्म को बढ़ा रहा है कि चलो दो चार करोड़ और ले लो जैसे कि स्टेट्स आर लिटरली लिटरली बेगिंग बिफोर सेंटर वीक मांग रही है राइट right? ऐसे टाइम में जबकि कोरोना वायरस है तो ये हमारे किसी सरकार की गलती नहीं है ये आर की गलती नहीं है ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने खुद के लिए क्रिएट किया है ओवर दी पीरियड सिंस नाइनटीन फिफ्टीज आई यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस हैज़ प्रिवेंटेड दी स्टेट फ्राम ईजीली एंड स्विफ्टली मेकिंग दी पेमेंट्स कुछ कुछ स्टेट जैसे राजस्थान ये कह रही थी कि सेंटर को ये करना चाहिए कि पाँच पाँच सौ रुपये सभी नागरिक के मनरेगा वर्कर के अकाउंट में आ, जो है डिपॉजिट करने चाहिए तो कल से ये किया गया है हमने काफ़ी रिकमेंडेशन पास्ट में जो यहाँ पर स्टडी करी हैं और देखा गया कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है बाय देंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि मोदी जी या अमित शाह सुबह उठ के डी एन सुनते हैं क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर टच नहीं करना नाउ परचेज ऑफ हेल्थ वगैरह स्टेट्स को जो है दिक्कत आ रही है इनको परचेज करने में सच एज वेंटिलेटर्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नाउ द कोलोसल डिसरप्शन ऑफ द सप्लाई चेन्स नॉट ओनली ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो ऑफ अदर सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल एकदम से ठप जो इंडस्ट्री पड़ गई है सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई एमेजन या जो और डिलीवरी बॉयज हैं उनको पीटना या लॉजिस्टिकल सर्विसेज को इंटर स्टेट बॉर्डर्स में ट्रांसफर ना करने देना दिस हैज द स्टेट्स इन अ पोजिशन ऑफ ग्रेव इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी राइट दीज लिमिटेशंस डेमोन्स्ट्रेट एन अर्जेंट नीड टू डीट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ये जो लिमिटेशन हमने अभी स्टडी करी इससे ये बात प्रतीत होती है दिस इज एम्पली क्लियर दैट देर इज अ नीड टू डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन

चीफ मिनिस्टर्स जो है मैनेजीरियल क्योंकि अगर पीएम केयर में पैसा आएगा तो यहाँ पे जो अप्रूवल टाइम लगेगा कब, आएगा, कब नहीं आएगा ऑडिट होगा परमिशन होगा सैंक्शन होगा इसीलिए ये कहने का मतलब है कि मैनेजीरियल फ्रीडम उनके पास स्टेट्स के पास रहना चाहिए टू डिस्टिंक्ट लेवल देर आर वेरिंग अकाउंट ऑफ वट इंडियन फेडरलिज्मी डिमांड देर आर जस्ट वन मिनट तो यहाँ पे क्या है वन एट द सेंटर बट वट इज मैनिफेस्ट फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स टू डिस्टिंग स्टेट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवेंथ शेड्यूल है आर्टिकल 246 में दिया गया स्केड्यूल डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन टू लेयर्स सेंटर एंड द स्टेट द यूनियन गवर्नमेंट इज टास्क मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज फॉरन अफेयर्स डिफेंस एंड एयरवेज अब आते हैं इस मॉडल पे देखो दो मॉडल हैं फेडरलिज्म के जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं एक होता है मार्बल केक मॉडल मार्बल केक होता है जिसमें केक में क्रीम का लेयर और चॉकलेट का लेयर मिक्सड होता है राइट बेस्ड ऑन दी प्रेगमैटिक मिक्सिंग कि कौन क्या काम करेगा ये इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है मार्बल केक मॉडल में कौन सी गवर्नमेंट कौन सा काम करेगी ये इस वे से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा काम कौन सा लेवल अच्छे से कर सकता है एग्जाम्पल uh, जैसे कि एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर कहीं भी दिया हो कोई भी लिस्ट में दिया हो मैटर नहीं करता लेकिन अगर के के पास पास है, है? तो तो कौन सी और अगर मान लो कि एग्रीकल्चर में नेशनल लेवल पे क्राइसिस है तो कौन मैनेज करेगा इसे सेंट्रल गवर्नमेंट राइट तो मार्बल के एक मॉडल में घुल मिल के काम किया जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक्चुअली अगर हम देखें तो मार्बल के एक मॉडल से डिराइव होता है राइट बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ अथॉरिटी एंड इसमें क्या है आप देखोगे कि क्लियर कट बाउंड्री है यह काम सेंटर करेगा यह काम स्टेट करेगी ये काम सेंटर करेगा यह काम स्टेट करेगा. करेगा, करेगा इसमें क्या होता है जोरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट ज्यूरिस्डिक्शन मतलब ये मेरा इलाका है राइट दिस इज माई जोरिस्डिक्शन इसमें क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलर एबल लेलेशन लगाया जाता है कि ये काम सेंटर स्टेट का था तो सेंटर क्यों कर रही है जैसे कि कैटल स्लॉटर रूल्स बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट से कहते हैं कि सेंटर हमारे दायरे में घुस रहा है क्लियर कट डिलीनिएशन ऑफ अथॉरिटी इसे हम लेयर्ड के एक मॉडल के रूप में स्टडी करते हैं क्लियर तो दो मॉडल्स हैं अब यहाँ पे हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स को डील करती है करेंसी कम्युनिकेशन इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के क्या होंगे है ना स्टेट्स किससे डील करती हैं सब्जेक्ट्स जो कि ग्राउंड के पास हैं जैसे कि एग्रीकल्चर पब्लिक हेल्थ पब्लिक ऑर्डर पुलिसिंग पुलिस किस लिस्ट में आता में. है स्टेट लिस्ट में क्यों लॉजिकल है क्योंकि अगर अगर मान लो कि किसी स्टेट में कुछ दंगे भड़क रहे हैं या फिर कुछ ऐसा रॉयट right काइंड kind of तो ऐसा थोड़ी है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को कॉल करोगे और दिल्ली से जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू पुलिस आएगी नहीं लोकल पुलिस को कॉल करोगे स्टेट पुलिस को ताकि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकें दैट इज वाई डीज सब्जेक्ट्स हैव बीन कैटेगराइज इन अ मैनर जो जो काम स्टेट्स के लेवल पे हो सकता है वो स्टेट्स अच्छे से करें इन दीज डोमेन्स स्टेट्स पावर इज प्लेनरी दिस फेडरल आर्किटेक्चर इज फोर्टिफाइड बाय अ

लेकिन राइटर ये कहते हैं कि बाय अचीव्ड थ्रू सिंपल डिमार्केशन ऑफ टू सेपरेट हाउसेज दो सेपरेट हाउस बनाने दे, हा, बना देने से बाय कैमलिज्म जो है नहीं आ, अपने आप डिवाइड हो जाएगा या कुछ ऐसा राइट अपने आप ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा बट थ्रू क्रिएशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट चेंबर्स दैट चूज देयर मेंबर्स डिफरेंटली इंडिया में कैसे किया गया हाउस ऑफ पीपल

Constitution makers took care to ensure that the authority of the union and states did not overlap. When financial autonomy, ki, jab, uh, financial ki hai, autonomy ke, when the matter for this financial economy came, autonomy came to their mind. The constituent, constituent assembly was equally conscious of ensuring that the authority of the union and the states to tax certain items should not overlap. Clear? फ्यू क्वेश्चन आप लोग ये पूछ रहे हैं कि कैन वी यूज दिस केक मॉडल येस एवरी थिंग दैट वी डिस्कस इन दिस क्लास अनटिल एंड अनलेस आई गिव यू अ डिस्क्लेमर और कि ये आंसर में नहीं लिखना अगर मैं जब तक ये नहीं बोलता ये मॉडल्स आप जो है एग्जाम में बिल्कुल बनाने के लिए ये शेयर किए जा रहे हैं राधर जब कभी फेडरलिज्म पर कोई क्वेश्चन आता है रेलिवेंट है अगर तो आप अपनी सूझ के हिसाब से अगर आपको लगता है कि दिस केक मॉडल और दिस कुड बी यूज इन द आंसर देन यू कैन यूज दैट एंड द मॉडल दैट इज फॉलोड इन इंडिया इज दिस वन बट नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस ओके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं आर्टिकल आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत सेंटर जो है स्टेट्स को काम दे सकता है तो इंडिया फॉलोज़ समवेयर बिटवीन लेयर केक मॉडल एंड मार्बल के मार्बल केक मॉडल सेंटर अपना काम स्टेट्स को दे सकता है और स्टेट्स अपना काम सेंटर को दे सकती हैं गवर्नमेंट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की गुंजाइश है जो कि आर्टिकल्स

इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को सूट करने के लिए ठीक है तो मैंने दो होमवर्क दिए आर्टिकल्स 257 258 258 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है 257 कोअर्सिव सी ओ ई आर सी आई वी ई कोअर्सिव यानी कि जबरन अथॉरिटेटिव नाउ कमिंग हियर टू दिस पार्ट राइटर यहां पे कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रीटी क्लियर कि उनको ज्यादा फंक्शंस जो हैं Uh, जो ओवरलैप है टैक्स में अगर सेंटर और स्टेट्स का ओवरलैप होगा तो डिस्प्यूट होगी कि कौन कितना पैसा किसको मिलेगा कौन सा टैक्स सेंटर लगाएगा या कौन सा टैक्स स्टेट लगाएगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बात का बहुत ध्यान रखा था लेकिन देयर फोर वाइल सेंटर फॉर एग्जाम्पल वॉज अकॉर्डेड द पावर टू टैक्स ऑल दी इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम एंड टू लिवाई इन डायरेक्ट टैक्सेज इन दम ऑफ कस्टम्स एंड कस्टम्स ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज पावर टू टैक्स इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स ठीक है बट एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट्स को दिया गया एंड टू ऑफ़ कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे जो पहले लगती थी जीएसटी के आने से पहले वो वो सेंटर को दी गई बट दोल पावर टू टैक्स दी सेल ऑफ गुड्स एंड दी ऑफ गुड्स इन टू दी स्टेट वॉज वेस्टेड इन दी स्टेट गवर्नमेंट कौन सा आर्टिकल आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे आर्टिकल थ्री जीरो फोर को और थ्री जीरो सेवन को थ्री जीरो फोर इंटर स्टेट में सेंटर को पावर्स देता है आर्टिकल थ्री जीरो फोर एंड थ्री जीरो सेवन आर योर होमवर्क फॉर होमवर्क फॉर टूडे तो सेंटर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत क्लियरली इन पावर्स को डिमार्केट किया था ताकि आपस में लड़े मरे नहीं ना सेंटर और ये जो आज जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में दिसंबर जनवरी से हो रहा है कि जीएसटी में कलेक्शन कम हो रहा है स्टेट्स सेंटर के खिलाफ केरला ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है वो क्यों किया है क्योंकि अब जो जीएसटी लाया गया है जीएसटी में पहले जो ओवरलैप हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अवॉइड किया था वो ओवरलैप कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी ने कर दिया जीएसटी अपने आप में इन प्रिंसिपल अच्छा है

है ना स्टेट्स का अपना दायरा था कि एक्साइज ड्यूटी कम करनी है बढ़ानी है स्टेट्स अपने आप डिसाइड कर लेती थी सेल्स टैक्स कम करना है ज्यादा करना है लेकिन अब सारा कुछ जीएसटी के अंडर होगा जिस वजह से स्टेट्स जो है और ज्यादा डिपेंडेंट हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट पे अब पिछले कुछ महीनों से फाइव सिक्स मंथ से हम देख रहे हैं कि सेंटर जो है स्टेट्स को पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा क्योंकि जीएसटी में कलेक्शंस कम हो रही हैं अब स्टेट्स की ये निर्भरता कहीं इसका जुडिशलाइजेशन कर रही है राइट right? अब ये मैटर जो है जुडिशरी में चला गया जबकि पहले ऐसा ना नहीं हो रहा था इज दिस क्लियर सो अंडरलाइन रैशनल वॉर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रीजन था वो बहुत सिंपल था स्टेट्स हैड टू बी स्टेट हैिजकल डोमिनियन टू एनेबल देम टू मोल्ड देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर पॉलिसी पीपल यानी कि अगर किसी स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में चिराला साड़ीज बनती हैं चिराला सारीज सी एच आई आर ए एल ए तो चिराला जो बहुत गरीब हैं जीएसटी के आने के बाद उन्होंने कहा कि सेंटर ने चिरा सारीज पे जो 12 परसेंट का टैक्स रखा है पूरे चिराला सारी वीवर्स जो गरीब लोग हैं वो दब जाएंगे क्योंकि उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा लेकिन वेस्ट बंगाल अगर जीएसटी नहीं होता तो रेट को बारह से पांच कर देता या जीरो टैक्स में कर देता बट अब क्योंकि जीएसटी है डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी तो चिराला साड़ीज पे टैक्स कम नहीं किया गया क्लियर समझ में आया इसलिए चिराला सारी वीवर्स जो हैं फिनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गए दबाव में आ गए तो ये सब चीजें चल रही हैं डिस्पाइट दिस प्लेनली ड्रॉन अरेंजमेंट द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस हैज बीन समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स पैराडॉक्स मतलब फाइट चल रही है मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि विच इज एट ऑर्ड्स विद इट्स लिखा कुछ है हो कुछ रहा है पैराडॉक्स है जो कि हम समझने में मुश्किल होती है हमें इट इज इनवेरिएबली एट द लेवल ऑफ स्टेट्स दैट रियल डेवलपमेंट हैज फ्रक्टिफाइड बट द यूनियन हैज रिपीटेडली डिस्प्लेड अ डिजायर टू ट्रीट द स्टेट्स एज मेयर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर अपेंडिजिज होता है मतलब सेंटर ये बॉडी है और सेंटर ये मानती है कि स्टेट्स जो है सिर्फ एक अपेंडेजिज हैं लिम्स नहीं है अपेंडेजिज मतलब एक फालतू का ऑर्गन जिसकी जरूरत नहीं है राइट right? तो सेंटर स्टेट्स को कभी पूरा दर्जा देता ही नहीं सेंटर ये कहता है कि ये तो बॉडी है अगर किसी की मान लो एक बॉडी में आउट ग्रोथ है अपेंडिजिस माना जा रहा है जो कि ज़रूरत नहीं है स्टेट्स की एस आर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि सेंटर जो है स्टेट्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करता टाइम एंड अगेन एफर्ट्स हैव बीन मेड टू सेंट्रलाइज फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू टेक अवे फ्रॉम द स्टेट्स देयर एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात प्राइम मिनिस्टर अभी जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ही रैलीड अगेंस्ट दीज अटेम्प्ट इसी के कॉन्टेक्स में आज हम ये समझेंगे आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जस्ट लेट मी गो थ्रू योर क्वेश्चन पुल कित आई यू वॉचिंग देशन इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और डिविजिबल पुल और दे आर दू तो हुआ क्या चीफ मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी थे तो उनको बुरा लगा कि सेंटर जो है 275 के तहत जो ग्रांट्स दी जाती हैं कमीशन कमीशन यूनियन द्वारा उन ग्रांट्स को वो ग्रांट्स जो है फीकी पड़ती जा रही थी थर्टींथ फिनेंस कमीशन तक टू दो तरह से ग्रांट्स दी जाती है सेंटर को 282 जिसको हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कहते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो है सेंटर uh, जब 32 टू परसेंट थर्टीन फाइनेंस ने ये कहा कि आप 32 डिविजिबल का 32 परसेंट आप सेंटर को देंगे स्टेट्स को देंगे सेंटर के पास कितना बचा 68 अब इस 68 परसेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए या फिर कैसे प्लानिंग कमीशन के जरिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाई जाती थी या फिर कुछ स्पेशल पैकेजेस दिए जाते थे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या स्पेशल पैकेजेस जो सेंटर देता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेट्रा अब होता क्या था कि यूनियन फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट्स देता था उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से अपने पैसे में से अपने 68 परसेंट में से कुछ कुछ स्टेट्स को चुनिंदा स्टेट्स को ग्रांट्स देती थी उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ये ग्रांट्स कांग्रेस लेड पॉलिटिकल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी लेड स्टेट्स को ज्यादा देती थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस टाइम चीफ मिनिस्टर मोदी को उस टाइम गुस्सा आया उन्होंने ये बात प्लानिंग कमीशन को कही कि हमें ग्रांट्स कम क्यों मिल रही हैं जबकि गुजरात का जीएसडीपी अच्छा है गुजरात का रेवेन्यू डेफिसिट कम है अच्छा अच्छी चीज़ है ये कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है खर्चा कम है आमदनी के अकॉर्डिंग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गुजरात वॉज गुड तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर मोदी ने ये बात उठाई कि ये बात गलत है ये हमारे साथ जब्ती की जा रही है तो इसीलिए वो प्लानिंग कमीशन के खिलाफ थे अभी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए तो मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया क्योंकि प्लानिंग कमीशन का क्राइटेरिया कुछ गलत था और क्या किया गया 68 परसेंट से ये हो गया 58 परसेंट और ये हो गया 42 परसेंट स्टेट्स को ज्यादा पैसे दिए जाने लगे लेकिन राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जब गुजरात के थे नरेंद्र मोदी ने फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सेंट्रलाइज करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था फल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पावर को केंद्र सरकार का जो uh, था कि उसे सेंट्रलाइज़ किया जाए उस टाइम चीफ मिनिस्टर मोदी ने इसको गलत कहा इसके खिलाफ आवाज उठाई सो मच सो दैट एन अंडरटेकिंग टू डिस पावर एंड स्टीयर एरा ऑफ सेंटर स्टेट कोऑपरेशन बिकेम अ मैटर ऑफ बीजेपी कैंपेन यानी कि पावर पावर को करना बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक आइटम रखी गई कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दी जाएगी और वो हुआ भी प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया नीति आयोग लाया गया और टीम इंडिया स्पिरिट से काम होने लगा राइट right? लेकिन राइटर ये कहते हैं इसी के साथ साथ सेंटर ने बहुत ही चालाकी से क्योंकि सेंटर के पास पहले सिक्सटी एट परसेंट पैसा बचता था लेकिन अब क्योंकि स्टेट्स को फोर्टी टू परसेंट देना पड़ रहा है तो सेंटर के पास फिफ्टी एट परसेंट बचा तो सेंटर ने क्या किया कि जो स्कीम्स थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिसमें कि सेंटर जो है सेवेंटी फाइव परसेंट पैसा देता था और स्टेट्स कांग्रेस के दौरान ट्वेंटी फाइव परसेंट मनी कॉन्ट्रीब्यूट करती थी तो ये इसको रिड्यूस कर दिया गया यानी कि सेंटर देगा सिक्सटी परसेंट

कि सेंटर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब स्टेट्स कोऑपरेट करेंगी और स्टेट्स को कोऑपरेट करने के लिए सेंटर जब पहले ज्यादा पैसे दे रहा था अब सेंटर ने वो पैसे सिक्सटी परसेंट कर दिए क्योंकि सेंटर की फाइनेंशियल पोजिशन भी इतनी अच्छी नहीं है राइट right? तो अदर मेजर्स हैव प्रूव्ड स्टिल मोर डिस्ट्रक्टिव क्रिएशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करने वाले लोगों ने क्या किया डॉक्टर बी आर अंबेडकर लेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि सेंटर जो है कस्टम्स पे टैक्स लगाएगा एक्साइज पे लगाएगा इनकम टैक्स लगाएगा स्टेट जो है मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स लगाएंगे तो यह बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड था लेकिन अब क्या किया गया जीएसटी के आने के बाद जीएसटी मैंने बोला कि इकोनॉमिकली एन इकोनॉमिक गया, गया पावर और सेंटर ने भी अपनी पावर सरेंडर कर दी कौन से टैक्स की इनकम टैक्स लगाने की एटसेट्रा एटसेट्रा राइट कुछ कुछ पावर्स जो है जीएसटी में नहीं डाली गई इनकम टैक्स नहीं डाला गया लेकिन वैट सेंट्रल वैट और सर्विस टैक्स जो कि पहले एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता था ये सारे टैक्सेस को अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू डिस्कस किया जाएगा जीएसटी में डाल दिया गया और इसके लिए जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी बनाई गई लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है कैसे विच जीएसटी फार फ्रॉम अचीविंग इट्स कोर पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेशन हैज रेंडर्ड नगेटरी इंटरनल सॉवरिटी वेस्टेड इन दूसट्स की अपनी इंटरनल सॉवरिटी थी जैसे मैंने चिरा सा वो कहीं चू मंतर हो गई वो स्टेट्स के पास में अब लीवे नहीं बचा बाई स्ट्राइकिंग एट दिट्यूशनल फेडरल एडिफाइस कॉन्स्टिट्यूशन के उस फेडरल स्ट्रक्चर पे हथोड़ा मारा है जीएसटी ने इट हैज दर वेरी सर्वाइवल ऑफ स्टेट डिपेंडेंट ऑन दी ग्रेस ऑफ यूनियन की अब स्टेट जो है यूनियन की खैरात पे निर्भर हो गई है कि खैरात मिलेगी ग्रांट्स मिलेंगी तो ठीक है नहीं तो केरला जैसे स्टेट्स को कहा जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की हमारा जो प्रॉमिस रेवेन्यू था जीएसटी का वो क्यों नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट दिस हैज डन डैमेज टू टू फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया ओके जीएसटी ने फिजिकल फेडरलिज्म को भी डैमेज किया पॉलिटिकल फेडरलिज्म को भी डैमेज किया द टेंशन टुडे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स

और ये तो पहले से भी होता है राइट वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सप्लिस बोल दिया कांग्रेस मुक्त भारत तो कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही थी सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस भारत है ना तो कांग्रेस पहले किसी भी सरकार को आने नहीं देती थी जब 1967 की हम बात करें इलेक्शंस की फिर 1979 फिर इमरजेंसी लाई गई जो ओपोजिशन था उसको दबाया गया तो आज हम ये नहीं कह रहे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत है या सही है लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के सपने के चलते कहीं ना कहीं गवर्नर के रोल को वेपनाइज किया जा रहा है कि पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट हो सके है ना तो इसीलिए राइटर ये कह रहे हैं अब फिर दोबारा से राइटर कोरोना वायरस की तरफ वापस आ रहे हैं आप देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुली इन आर्टिकल्स को लिखा जाता है कितनी ब्यूटीफुली इन आर्टिकल्स को यहाँ पे लिखा जाता है कोरोना वायरस से शुरू हुए राइटर उसके बाद राइटर ने जो समस्याएं आ रही हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोरोना वायरस से डील करने में उनको डील किया फिनेंशियल एस्पेक्ट को डील किया पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डील किया और कहीं ना कहीं आ, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हुए राइटर अब वापस कोरोना वायरस पे आ रहे हैं उसमें हमने मार्बल केक मॉडल ये सब डिस्कस किया है आज तो जब आप ऐसे लिखते हैं अपने एग्जाम में कोई एक आर्टिकल को आज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल को इसी पीपीटी से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो डब्ल्यू से तो ये था हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस एडिटोरियल एनालिसिस बेसिकली तो राइटर अब वापिस आते हैं और जब एस को या आर्टिकल को कंक्लूड कर रहे हैं तो इन सींगट इन दिस वे राइटर ने ये कह वी कैन नॉट कंटिन्यू टू रिगार्ड द इंटीग्रेट इंट्रीकेट नाइसिटीज ऑफ आर फेडरल स्ट्रक्चर एज एज अ नेटल सम ट्रिफल नेटल सम ट्रिफल नहीं है ये कि मतलब कोई पजल नहीं है हमें जो है इन नाइसिटीज को रिस्पेक्ट करना होगा और आर्टिकल वन जो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको रिस्पेक्ट करना होगा ओके okay, ताकि ये इल्यूजरी ड्रीम बन के ना रह यस yes, मेरी क्लास यूट्यूब पे डेली होती है तो गाइज जिस वजह से मैं बना एक एजुकेटर और जिस वजह से अन अकेडमी बना इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म दो कारण थे राइट एक तो डॉक्टर रोमन सैनी और बाकी पांच सात मेरे जो एजुकेटर्स हम शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं राइट right. और उसके बाद हमने यूपीएससी कैटेगरी में डीएनए बिकेम वन ऑफ दी पॉपुलर कोर्सेज तो उस टाइम का आप एफ़र्ट देखेंगे कि मैं इतना एफर्ट दे रहा था कि जून 2017 में हम मंथली इंडेक्स निकालते थे कि जो लोग डीएनए रेगुलरली नहीं देख पा रहे थे यूट्यूब पे या कहीं और तो उनके लिए इंडेक्स निकाला जाता था बीच में आई गॉट बिजी विद माई यू पी एस एंड ऑल तो डी कंटिन्यू नहीं हुआ और अन प्लस के कोर्सेज भी आ गए लेकिन अब डी रेगुलरली जो है किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो इसका वीकली हम अप्रैल जैसे सेवन्थ अप्रैल तक का इंडेक्स आपके लिए जो लोग अभी रेगुलर नहीं है इसका इंडेक्स ऑफ डी एन ए डब्ल्यू 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 डॉट जतन वर्मा डॉट ओ आर जी पे अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें कि टॉपिक्स लिखे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स एनालिटिकली डील किए गए हैं राइट right, सुबह साढ़े आठ बजे ये डी एन ए रहता है और जो लोग आ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पी डी एफ्स के लिए या फिर मेरी अन अकेडमी प्लस की स्पेशल क्लासेस के लिए ऐड होना चाहते हैं you can send a send a message on whatsapp message only only whatsapp message 9582868080 पे आपको alert लिख के whatsapp करना है you will be added to the telegram channel and uh, अगर आपको कोई डाउट है unacademy plus पे मेरे पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्सेज की डेट या कवरेज के बारे में क्या उसमें सेकंड सी कवर होगा इकोनॉमिक्स में क्या इकोनॉमिक सर्वे कवर होगा बजट कवर होगा तो आप इस नंबर पे whatsapp करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं राइट

so this is the prevailing mood now it will not be possible the country is going through a social emergency pm tells political parties at a video conference on wednesday with uh, you know parties floor leaders in the parliament prime minister narendra modi said it won't be possible to lift the lockdown so this is it then at a video conference with parties floor leaders in parliament prime minister said it won't be possible to lift the 21 day nationwide lockdown in one go

284 Indian districts have at least one coronavirus patient as of April. Clear? So, this is what is happening. Just a minute, guys. Now, coming back. एम थैंक दॉर दियर सपोर्ट टू डे दिचुएशन इन दंट्री इज सिमिलर टू अर सोशल इमरजेंसी क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल एमरजेंसी के लिए कोई प्रोविजन है नहीं राइट सो दिस इज देअर कमिंग द लीडर्स फ्रॉम एटीन पोलिटिकल पार्टीज अटेंडेड द इंटर एक्शन टॉप सेंट्रल ऑफिशियव प्रेजेंटेशन ऑन दी स्टेप्स बींग टेकन टू मीट दी इमर्जिंग चैलेंजेस

फॉर थ्री फेस्ड ईजिंग ऑफ कर्ड्स केरला से एक सजेशन आया है ये हम कैसे यूज कर सकते हैं सिर्फ फैक्चुअल अवेयरनेस के लिए नहीं आइए जी एस मेन्स पेपर फोर में थिंक ऑफ योर सेल्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने आपको आई ए एस ऑफिसर के वजह से सोच के देखो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लिफ्ट करी जानी चाहिए फेस मास्क को कंपलसरी किया जाना चाहिए फॉर स्टेपिंग आउट आइडेंटिटी कार्ड मस्ट ट्रेवल पर्पज टू बी एक्सप्लेन ट्रेवल पर्पज पुलिस को बताना होगा कि कहाँ जा रहे हो सैर सपाटा नहीं अलाउड होना चाहिए ऑड इवन स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल्स होनी चाहिए राइट देन बैन ऑन दो फाइव विद हिस्ट्री ऑफ विद को जो वृद्ध लोग हैं जो ऑलरेडी खांसी या इन सब चीजों से जूझ रहे हैं उनका बाहर जाना अलाउड नहीं होना चाहिए टोटल क्लैम्प डाउन ऑन व्हीकल मूवमेंट ऑन संडे व्हीकल मूवमेंट जो संडे को जो लोग घूमने जाते हैं उस पर बिल्कुल बंदी होनी चाहिए नो फ्लाइट और ट्रेन सर्विसेस जहाँ पे कंजेशन के चांसेज ज्यादा हैं फ्लाइट्स और ट्रेन सर्विस को अलाउड नहीं किया जाना चाहिए फेज वन में गवर्नमेंट कोई आएगा या एक हफ्ता कोई और स्टेट per no बाहर से किसी लोग जो मतलब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है या इंटर स्टेट मूवमेंट और मॉल्स वगैरह बंद रहने चाहिए फेज टू में धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है यहाँ पे फेज टू में क्या ऑटोज टैक्सीज में बी अलाउड बट ओनली वन एंड थ्री पैसेंजर्स रिस्पेक्टिवली बस ट्रेवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विद इन दिटी और टाउन पर्सन पर सीट एक्टिविटीज अंडर मनरेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिगिन अटेंडेंस एट मैरिजेज़ एंड फ्यूनर टू बी ट्वेंटी तो वर्कर्स एट वर्क आई ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन साइट पे परमिट फेज वन में अलाउड नहीं है दिस इज हाउ यू कैन डू इट

So, Nilesh Pandey, if you want to read the summary of the Hindu Indian Express Live Mint Economic Times, you can refer to my website, www.jatinvarma.org We are investing tremendous amount of time and resources in compiling that. Clear? Economic Times, Yojana, PIB, everything is being covered on the website, jatinvarma.org

The states and union territory governments had been asked to use the welfare fund for them. It has a corpus of rupees 31,000 crores. Okay, so center concerned over the polarization on religious lines. Center is very much concerned. कि रिलीजियस लाइंस पे जो डिविजन हो रहा है कि तबलीग जमात की वजह से हुआ या इनकी वजह से हुआ पोलराइजिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन रिलीजियस लाइंस अगेंस्ट दी बैकड्रॉप ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी बीइंग टारगेटेड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिर्फ एक गलती की वजह से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी पता नहीं कितनी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होंगी ओके जो कि जिन जिनकी वर, जो कि रिपोर्ट नहीं हुई है और उन उनसे भी ऐसी इक्वली ये गलती हुई है तो इसलिए ज़्यादा इसे उछालना नहीं चाहिए दे आर ऑल्सो नॉट कम्प्लाइंग विद द लॉकडाउन कंडीशन एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स तो रिलीजियस पॉलराइजेशन ना की जाए सरकार का ये कहना है राइट स्टेट्स वर टोल्ड टू कोऑर्डिनेट विद द कम्युनिटी लीडर्स एंड तबलीग जमात कॉन्फ्रेंस रिटर्न हीज टू वॉल्टरली कम फॉरवर्ड फॉर क्वारंटीनिंग विच विल हेल्प क्लियर द द्राउड ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड एलिगेशन टू अ लार्जर एक्सटेंट क्लियर तो ये रिलीजियस डिवीजन को अवॉइड किया जाना चाहिए खासकर ऐसे टाइम पे सिटीजंस मस्ट एक्ट रिस्पोंसिबली विद मेडिकल टीम्स सेज सुप्रीम कोर्ट सिटीजंस हैव टू एक्ट इन अ रिस्पोंसिबल मैनर विद डॉक्टर्स मेडिकल वर्कर्स एंड अदर ऑफिशियल अदर ऑफिशियल्स वर्किंग टू कंटेन द कोविड-19 इंफेक्शन द कोर्ट सेड द कोर्ट ऑर्डर्ड द पुलिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट पर्संस हु ऑब्स्ट्रक्ट एंड कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्टर तो डॉक्टर्स को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसके पहले भी हमने शायद फर्स्ट अप्रैल के डीएनए में इसको डील किया है तो दैट इज़ बाय आई वांट यू टू कवर दी बैकलॉग ऑफ डीएनए एंड इसके लिए आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया सेंड दी मैसेज एलर्ट्स मेरे चैनल पर जतिन वर्मा जाइएस अकेडमी पर ये प्ले बनाई गई है व्हाट्सएप पर आप मैसेज सेंड करोगे अलर्ट्स लिख के नाइन तो जो टॉपिक्स हमने रिपीट कर रहे हैं करने हैं आगे चल के वो टॉपिक्स रिवाइज होंगे हुँ, रिपीट होंगे बट अभी के लिए आप थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ जिन लोगों का बैकलॉग है एटलीस्ट फर्स्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स ट्राई टू कवर योर बैकलॉग ओके ये प्लेलिस्ट जो है इसमें सिक्वेंशियल uh, ऑर्डर में क्योंकि अन अकेडमी टीम के बारे द्वारा ये पॉसिबल नहीं हो रहा था दे वर नॉट एबल टू कंपाइल द प्ले लिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस सो माई टीम जे वी टीम हैज़ डन दी एफर्ट

बस मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में हमें पढ़ना है आप थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेना कौन सी और डिजीज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यूज होती है इसके अलावा ये सारी न्यूज जो है पैसेज न्यूज है वायरस 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 हमें क्या करना है थोड़ा और भी चीजों को बैलेंस वे में पढ़ना है इसीलिए हम इसमें टाइम जया नहीं करेंगे सेवनटीन थाउजेंड सी फेयरर्स विल रिटर्न ओनली आफ्टर पॉलिसी इज फाइनलाइज शिपिंग कंट्रीज आर वर्किंग ऑन अ प्लान टू सेंड दिम बैक

एक पॉलिटिकल थ्योरी शेयर करूंगा जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाटएवर पॉलिसी इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट पॉलिसी इज मेड केप्ट इन कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम लॉस टू मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आम आदमी की जमीन को एक्वायर करना और अंबानी अडानी को देना किस लिए कि वो जमीन जो है 2000 किसानों की वो जमीन अगर एक्वायर की जाएगी तो उससे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग जब इंडिया में बढ़ेगा तो उससे क्या फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी इंडिया का जीडीपी इंक्रीज होगा तो नुकसान कम है फायदा ज्यादा सरदार सरोवर डैम यदि बनेगा तो दो हजार विलेजेस खाली होंगे लेकिन जो बिजली पैदा होगी उससे सौभाग्य स्कीम इंप्लीमेंट करी जा सकेगी सिमिलरली दिस इन सी फेयरर्स को अगर रोका गया है सेवनटीन थाउजेंड सी फेयरर्स यदि इंडिया में आएंगे और अगर इनको कोरोना वायरस या कुछ हुआ तो शायद ये इंडिया की हालत कोरोना वायरस की टर्म्स में अमेरिका जैसी ना कर दें मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंटायर इंडियंस इसी प्रिंसिपल पे ही आर्मी क्रिएट की जाती है दस लाख लोग दस लाख लोग यदि सेक्रीफाइस करेंगे उस वजह से एक करोड़ लोग चैन की नींद सो पाएंगे मिलिट्री clear so these are the principles in the public policy making you can note, note them down and you can learn from you can apply them at the relevant places in your in your gs paper for ethics also clear so yes of things. certificates of competency of seafarers Pre recently cabinet approved uh, cabinet approves a model mou just one minute

इन कम्प्लायंस विद दी इंटरनेशनल कन्वेंशन इंडिया हैज़ अप्रूव अ मॉडल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फॉरन कंट्रीज़ फॉर यूनीटरल बायोलैट्रल रिकोगशन ऑफ सर्टिफिकेट्स यानी कि सी फेयरर्स का कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है अगर ये यू के का शिप है इसको इंडिया में तभी आने दिया जाएगा जब ये एम ओ यू साइन होगा यू के गवर्नमेंट के साथ इस एमओयू यू का मतलब ये है कि यूके गवर्नमेंट उन सभी कंडीशन को जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में लिखी है कंप्लाई करती है और जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है सी फेयरर्स का वो इंटैक्ट है ये जो सी फेयर जो प्राइवेट शिप है यूके का यूके गवर्नमेंट ने उनकी जो प्रैक्टिस हैं उसे अप्रूव किया है उसी के बाद ही इस शिप को जो है इंडियन ओशन में या फिर कोई भी सी में इंटरनेशनल ओशन में उतरने दिया गया है क्लियर

इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा क्लियर नाउ अब इसी के चलते ये इसका बैकग्राउंड हमने यहाँ पे कवर किया इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे खुद से एंड देन मेरी टाइम जोन एज अ स्टैटिक टॉपिक आई हैव कवर्ड फॉर यू देखो अगर ये मान लो कि ये गोवा की कोस्ट है राइट right? गोवा का जो एरिया है जो सी में गहरी सी में जा रहा है हाई सीज कहाँ से शुरू होती हैं हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं तो आकी वाटर्स इसे कहा जाता है ये कंट्री का पूरा कंट्रोल होता है ठीक है सोव्रटी ऑफ आकी आजो आखि पिल्हजो पे हमारी कंट्री की पूरी सॉग्रांति है एक्सटेंड्स टू वाटर्स सिटुएट अंडर द बेस लाइन ऑफ द आईलैंड टू दी हाई सीज ये बेस लाइन तक 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का ये टेरिटोरियल वाटर्स है और फिर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अन 12 माइल्स इसे कॉन्टिगुअस जोन कहा जाता है और फिर यहीं से ही कॉन्टिगूस uh, जोन से ही ये शुरू हो जाता है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि यहाँ पे कंट्री को लिमिटेड राइट्स होते हैं ऑयल ड्रिलिंग के ऑयल एक्सप्लोरेशन के और कोई और कंट्री का शिप यदि इस वाटर में आना चाहता है तो उसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये हमारी कंट्री के बहुत करीब आ रहा है तो किसी अटैकिंग या जैसे ट्वेंटी सिक्स एलेवन अटैक हुआ था किसी नेगेटिव इंटेंशन के साथ तो नहीं आ रहा इसीलिए आईसीजी की परमिशन लेनी ज़रूरी हो जाती है क्लियर फिर टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स के बाद स्टार्ट होता है इंटरनेशनल सी बेट स्टैटिक so, पोर्शन भी हम इसी कॉन्टेक्स में कवर कर सकते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड आज आप गया था हांगकांग कन्वेंशन प्लीज आंसर हांगकांग कन्वेंशन किस लिए असाइन किया गया था राइट right, तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इज इंक्रीजिंग ग्लोबली इसका मतलब क्या है सो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस प्रेजिडेंट एंड बीजेपी एम पी इनका ये कहना है कि आई सी सी आर जो काम कर रहा है इंडिया की जो ग्रेट हिस्ट्री है और ये सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस कोरोना वायरस नाइन्टीन के चलते और ज़्यादा बढ़ती जा रही है राइट तो सॉफ्ट पावर क्या है हमारा लैंग्वेज हमारा कल्चर हमारी अपील हमारे प्रिंसिपल्स जैसे कि अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव गेस्ट इज गोड गेस्ट इज़ गॉड वी हैव बीन गिविंग दी शरण टू वी आर बीन गिविंग दी वट डू वी कॉल इट वी आर बीन गिविंग द रिफ्यूज टू दी माइग्रेंट्स इन डिस्ट्रेस लाइक रोहिंग्या एट्रा राइट तो और क्या है वर्ल्ड इज अ फैमिली वासुदेव कुटुंब कम वी व्यू इंडिया विजन ऑफ वर्ल्ड एज अ फैमिली इंडिया को इस टाइम पर हेल्प करता है सॉफ्ट पावर हमारा कल्चर हमारी अटायर्स गुजराती अटायर्स डांडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न जो सॉन्ग्स हैं उसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं क्लियर तो सॉफ्ट पावर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ये कहना है राइटर का यहाँ पे ऑन रिफॉर्म्स ही सेज़ वी आर ट्राइंग टू फाइन ट्यून सर्टन सिस्टम्स एंड गेलविनाइज द एंटायर फंक्शनिंग इन कीपिंग विद द मॉडर्न टाइम्स इंडियन इंडिया एन्जॉयज a groundswell of goodwill but the challenge is to translate this goodwill into understanding of india to that end we plan to start academic programs like understanding of india course cultural exchange between future leaders mainstreaming of our traditional artisans through exchange with similar artisans तो आप देखेंगे इस आर्टिकल से हम यह सीख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इसमें कैसे काम करता है अब राइटर से ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू से कि अमंग दई सी सी आर इज प्रमोशन ऑफ हिंदी आर एनी प्लान दीज एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स हेयर एंड चेयर सेटअप इन दॉरन यूनिवर्सिटीज तो आप ये बताओगे कि कौन सा आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेट देता है हिंदी को इम्प्लीमेंट करने का और कौन सा आर्टिकल है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बात करता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी और यह आर्टिकल हिंदी वाला आप बताएंगे देर आर मेनी मराठी स्पीकिंग ज्यूज नाउ इफ दे डिमांड अ मराठी क्लास आईसी मे एक्सेप्ट इवन दैट रिक्वेस्ट सेम इज ट्रू विद तमिल बेंगाली संस्कृत तो ये हमारी सॉफ्ट पावर के डायमेंशन हैं गमट ऑफ सॉफ्ट पावर इंडियन अटायर इंडियन क्यूजीन हमारा इंडियन खाना राइट right? तो ये सब चीज़ें फॉरेन में इसके रेस्टोरेंट्स खोलना ये सब करना हमारी सॉफ्ट पावर का एक एक झलक वहाँ पे लेके जाना और सॉफ्ट पावर को इंडिया के लिए गुडविल में कन्वर्ट करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करना तो आज भी हमारी सॉफ्ट पावर वर्ल्ड इज अ फैमिली हमारी पॉलिसीज़ को गाइड करती है कैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वो भले ही अभी थोड़ा सा uh, उस पर कश्मकश चल रही है या कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं लेकिन ये हमारे कॉन्टूवर्स हैं हमारे आउटलुक ऑफ इंडिया टूवर्ड्स दी वर्ल्ड के क्लियर सो दिस वॉज ऑल इंटरडेस डेली न्यूज़ एनालिसिस गाइज आई होप यू एन्जॉयड एंड इट वॉज लर्निंग थिंग फॉर यू यू ऑल्सो बिकॉज इफ आई व टू चूज वन कोर्स फॉर माई सेल्फ विच हेल्प्स मी you know uh, live up to the realities of the world or which makes me a better citizen is this daily news analysis course if any if there is any course that i do with 100% dedication these days it is this course be regular with it if you have any opinion about my work or any positive feedback you've got to share or any negative feedback do share it in the comment section today i'll be going through all the comments and if you have any questions regarding

हाँ दोनों किताबें मैं बता रहा हूं जस्ट वन सेकेंड गाइज दिस दोनों किताबों के बारे में दोनों में से एक किताब आप ले सकते हो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसमें आपको जयप्रकाश नारायण गांधी जी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या अप्रोच थी वो सब चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी या फिर रामचंद्र गुहा काफी प्रोमिनेंट राइटर हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया दोनों में से एक बुक आपको लेनी है दोनों नहीं लेनी क्लियर इसमें से आज का हम जो आ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ए, ए, एडिटोरियल है जो कि हमने डील किया है फेडरलिज्म से रिलेटेड वो इसी से था राइट यस अनुराग देयर इज एन ईएमआई ऑप्शन राइट

सभी कोर्सेस का क्लियर तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड जतिन दिन टी दैट यू नो वी कीप ऑन वी आर एबल टू कंटिन्यू मेकिंग दिस गुड ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली एंड वी डोट है क्या लेने दोनों में से मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड गो फॉर द सेज टेक्स्ट वाली मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाली Modern Indian political thought. Yeah. Chamathula, what are you trying to ask? What is your question, my dear? Just one minute. कैन यू प्लीज टाइप योर क्वेश्चन अगेन ओके आप अपना क्वेश्चन पूरा लिख दो जागृति और बेटर वुड बी टू रीच आउट टू मी ऑन दी टेलीग्राम और एल्सपेयर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके सो दिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आई वेल कम अप विथ सम कोर्स ऑन आन अकेडमी प्लस फॉर सेकेंड ए आर सी दैट विल बी हेल्पफुल टू यू